अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। अल्लाह भारत भारतवासियों पर दुनिया दुनिया वालों पर अमन सलामती शांति उन्नति नाजिल करे। वो उम्मत कैसे कामयाब हो सकती जो अल्लाह के दीन के लिए वक्त और पैसा लगाने तैयार नहीं, लेकिन इलेक्शंस के लिए करोड़ों रुपए लगा के महीनों लगाने तैयार है। वो उम्मत कैसे कामयाब हो सकती जो नमाजों को आने के लिए तैयार नहीं मस्जिद में, लेकिन इलेक्शन रैली में जाने के लिए 5-5 घंटे तैयार है। वो उम्मत कैसे कामयाब हो सकती जो कुरान हदीस पढ़ने तैयार नहीं, लेकिन 4-4 घंटे इलेक्शन के स्पीचेस सुन के पलटा के रील बनाने के लिए तैयार है। वो उम्मत कैसे कामयाब हो सकती जो शिर्क बिदात हराम को खत्म करके अल्लाह की इबादत नबी की इताअत को लाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अपने पॉलिटिकल लीडर को लाने के लिए जान की बाजी लगाने तैयार है। वो उम्मत कैसे कामयाब हो सकती जो अल्लाह की पार्टी में शामिल होने तैयार नहीं, जो अल्लाह की पार्टी में शामिल होने तैयार नहीं, लेकिन अलग अलग पार्टियों में रह के आपस में लड़ मरने को तैयार है। सोचिए वो उम्मत कैसे कामयाब हो सकती। अल्लाह की इबादत नबी की इताअत सहाबा की तरह तो कामयाबी, वरना बर्बादी।